हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे थे हमारी ज्योग्राफी की क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड चीजों के बारे में बात किया था। कंटिन्यूएशन में ये वाली वीडियो भी हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड ही। एक और आपको वीडियो मिलेगी जिसमें हम लोग प्लैनेट रिलेटेड चीजों के बारे में बात करेंगे एंड देन हम लोग जो एस्ट्रोनॉमी का हमारा पूरा सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा और हम लोग आ जाएंगे अपने इंटीरियर ऑफ अर्थ पे। तो तीन आपको वीडियोस मिलेंगे बेसिकली एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड एंड देन व्हेन वी विल मूव ऑन टू अर्थ सिस्टम। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगेन ये हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो प्रीलिम्स स्पेशल एज वेल एज मेंस स्पेशल है। इसके अलावा देखिए हमारे पास्ट ईयर क्वेश्चन की भी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। जो लोग भी नहीं देख रहे हैं उसको बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, उसको फटाफट कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि उसमें न सिर्फ मैं क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूँ बल्कि क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे 2020 प्रीलिम्स के लिए वो भी डिस्कस किया गया है। तो आपको एक काफी अच्छा आइडिया, काफी अच्छा एक रिवीजन भी हो जाएगा। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। तो देखिये ये पूरा का पूरा वो एक पोस्टर है जो हम लोग इस पूरे क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज द जिस्ट फॉर्मेट आप बोल सकते हैं। इनको वन बाय वन करके अगर डिस्कस करें तो उसके बाद से हम लोग इसके डिटेल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए हमारे पास एक होती है नेब्यूला। दिस इज बेसिकली नेब्यूला। नेब्यूला का मतलब ये होता है कि एक तरीके से दिस इज क्लाउड। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जब एक डस्ट पार्टिकल का या आइस पार्टिकल का या छोटे छोटे पार्टिकल्स का अगर एक पूरा का पूरा क्लाउड बनना शुरू हो जाता है और वो इर्द गिर्द उसके नेबरिंग एलिमेंट को अपने में अट्रैक्ट करके एक पास में एक क्लस्टर बनाना शुरू कर देता है या क्लस्टर ऑफ डस्ट पार्टिकल जिसको आप बोल सकते हैं वो बनाना जब शुरू कर देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो एक नेब्यूला है। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल है जो एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं और इकट्ठे होने के बाद में फिर इस तरीके से चीजें बना ले रहे होते हैं। अब यहां पर देखिए ये जो नेब्यूला है इस नेब्यूला में धीरे धीरे बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर इस नेब्यूला में अब केमिकल रिएक्शंस होना शुरू होती हैं। इन केमिकल रिएक्शंस में दो तरीके की रिएक्शन होती है। एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन और दूसरी होती है न्यूक्लियर फिजियन रिएक्शन। जो फ्यूजन रिएक्शन होती है वो सेल्फ सस्टेनिंग होती है। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा भी करेंगे क्या चीज है, लेकिन ये जो नेब्यूला होता है बिकॉज ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है उसके कारण से ये कन्वर्ट हो जाती है अपने प्रोटोस्टार में। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर और नीचे दो तरीके का एक स्केल दिया हुआ है या बोल सकते हैं सीरीज दी हुई है। एक्चुअल में क्या है कि दिस इज द नेब्यूला और इस नेब्यूला के बाद हमारा ये एक तरीके का प्रोटोस्टार डेवलप हो रहा होता है। प्रोटोस्टार का मतलब होता है कि ये छोटा सा स्टार है जिसमें कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन वाली रिएक्शन है वो स्टार्ट हो चुकी है और वो एक सिस्टम बनना अब धीरे धीरे शुरू हो गया है। तो यहां पर भी हमारी प्रोटोस्टार है और ऊपर भी हमारी प्रोटोस्टार है, दोनों जगह पर प्रोटोस्टार है जो कि नेब्यूला से डेवलप हुआ है। अब प्रोटोस्टार क्या होता है? प्रोटोस्टार लुक्स लाइक अ स्टार बट इट्स कोर इज नॉट येट हॉट एनफ फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन टू टेक प्लेस। तो बेसिकली क्या है, नेब्यूला से प्रोटोस्टार में कन्वर्ट जब होता है तो अभी भी इतना ज्यादा टेम्परेचर यहां पर नहीं हुआ रहता है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस है ये रैपिड फॉर्मेट में शुरू हो सके। तो बहुत ही लाइट फॉर्मेट में होती है। अभी बेसिकली एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि पूरा मटेरियल एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो गया है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से एक सर्क्यूलर शेप ले रहा है। क्वेश्चन ये उठता है कि वाई सर्क्यूलर या स्फेरिकल क्यों बोल सकते हैं हम इसे? स्फेरिकल हम लोग इसलिए बोलेंगे यहां पर क्योंकि स्फीयर आपस में चारों ओर इक्वल प्रोटेक्शन मतलब इक्वल फोर्स लगा करके एक जगह पर इकट्ठा करेगा और ये स्फेरिकल सरफेस ये एकमात्र ऐसा सरफेस होता है जो मोस्ट सिमेट्रिकल होता है और चारों ओर में जब इक्वल फोर्स लगेगा तो ऑब्वियसली सिमेट्री तो आनी ही आनी है और वो सिमेट्री के कारण से वो पूरा का पूरा सरफेस स्फेरिकल हो जाएगा। अब आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी बेसिकली ये स्फेरिकल क्यों हो रहा है। अब देखिए ये जो प्रोटोस्टार है इस प्रोटोस्टार से नेक्स्ट जो बनता है वो बनता है हमारा स्मॉल स्टार। पहले हम लोग ऊपर वाले सीरीज के बारे में बात करेंगे देन उसके बाद से हम लोग नीचे वाले सीरीज के बारे में बात करेंगे। अब देखिए ये जो स्मॉल स्टार है दिस स्मॉल स्टार इज बेसिकली अलग अलग तरीके से होके गुजरता है, जैसे टी स्टार होती है फिर उसके बाद से मोस्ट सीक्वेंस स्टार होती है। इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। बस अभी आप ये समझ लीजिए कि एक तरीके का स्मॉल स्टार है जहां पर
टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा हुआ है और थोड़े से टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण से अब जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अभी रैपिड फॉर्मेट में नहीं हो रही थी अब वो स्टार्ट हो चुकी है होना। इस रैपिड फॉर्मेट में जैसे ही हमारी जो ये एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाएगी या फिर कह लीजिए कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही होती है, ये एनर्जी फिर इसको इसके टेम्परेचर को स्मॉल स्टार के टेम्परेचर को कंटिन्यूअसली बढ़ाना शुरू कर देगी। तो बेसिकली इस सरफेस पे इस स्मॉल स्टार पे अब दो फोर्स लगना शुरू हो गए हैं। एक फोर्स लग रहा है जो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर है, जहां पर टेम्परेचर के कारण से इसकी लगातार एनर्जी बाहर की ओर में रेडिएट होते आ रही है, और दूसरी एक फोर्स लग रही है और वो लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि बिकॉज ऑफ हाई मास लग रही है। तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स इसको लगातार अंदर की ओर खींच भी रहा होगा जिसके कारण से ये स्फेरिकल सरफेस बना के रखा होगा, और दूसरा इसकी जो एनर्जी लगातार बढ़ते आ रही है उसके कारण से इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, और इस टेम्परेचर के बढ़ने के कारण से ये स्मॉल स्टार अब एक रेड जायंट स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली रेड जायंट होता क्या है, रेड जायंट दो तरीके का हो सकता है, एक होता है स्मॉल हो सकता है और एक हो सकता है जो लार्ज एनफ हो गया हो। तो स्मॉल के बारे में बात करें तो रेड जायंट इज फॉर्म्ड व्हेन अ स्टार रन आउट ऑफ हाइड्रोजन एट इट्स कोर एंड स्टार्ट फ्यूजिंग हाइड्रोजन इनटू हीलियम जस्ट आउटसाइड द कोर रिलीजिंग एनर्जी एंड एक्सपेंडिंग द स्टार। बेसिकली यहां पर हाइड्रोजन से हीलियम का कन्वर्जन जो ये दिया हुआ है, दिस इज बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर में दो हाइड्रोजन एटम आपस में मिल करके एक हीलियम एटम बना रहे होते हैं और अल्टीमेटली एनर्जी निकाल रहे होते हैं, और इस तरीके से जो एनर्जी रिलीज हो रही है इससे लगातार एक्सपेंशन ऑफ द स्टार होते जा रहा है और ये साइज में अपने बड़ा होते जाएगा। बड़ा होते होते ये एक समय के बाद में लार्ज रेड जायंट स्टार बन जाएगा जो कि हॉट इनफ होगा टू टर्न द हीलियम इनटू देयर कोर इनटू हैवी एलिमेंट लाइक कार्बन। तो इस तरीके से ये जो रेड जायंट स्टार है अब इतना ज्यादा बड़ा हो गया है कि अब ये एक समय के बाद में एनर्जी खुद से अपनी ये कंट्रोल तो कर नहीं पाएगा, तो जब कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो बेसिकली एट द एंड होगा क्या, ब्लास्ट हो जाएगा। और इस ब्लास्ट में बेसिकली होता क्या है कि वंस द स्टार रन आउट ऑफ फ्यूल द स्टार विल कोलैप्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो अपनी ओर में खींचता रहेगा। अब देखिए ये लगातार इसकी साइज बढ़ते आ रही है, ये जो मान लेते हैं कि स्टार है इसकी लगातार साइज बढ़ते आ रही है, लेकिन बढ़त कब तक रही है, जब तक अंदर में दो हाइड्रोजन एटम जो है आपस में मिलकर के हीलियम एटम नहीं बना रहे हैं। तो जैसे ही इसका हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा एक समय के बाद फ्यूल तो फिनिश ही हो जाएगी। अगर ये फ्यूल फिनिश हो जाती है तो उसके बाद से क्या होगा कि ये जो एक्सपेंशन हो रहा था उस एक्सपेंशन पे अब रोक लग जाएगी, अब वो एक्सपेंड हो नहीं पाएगा, और एक्सपेंशन जब नहीं हो पाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगातार अपने ओर खींचते ही जा रही है। तो एक समय तक ये एक्सपेंशन काफी ज्यादा होगा और उसके बाद से सीन ये होगा कि अंदर में अब जो हॉट टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रही थी वो अब धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी, और इस खत्म होने के बाद अल्टीमेटली जो एक्सपेंडेड मटेरियल बाहर निकल के चला गया है उसको वापस से सेंटर की ओर में खींचना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस तरीके से जो सिस्टम निकल के आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लैनेटरी नेबुला। तो वंस द स्टार रन आउट ऑफ द फ्यूल द स्टार विल कोलैप्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड द आउटर लेयर विल बी इजेक्टेड इनटू द वास्टनेस ऑफ स्पेस। तो जो सबसे बाहर वाली सरफेस की चीज होगी वो तो इतना ज्यादा अट्रैक्ट तो हो नहीं पाएगा, तो ये बाहर की ओर में फैल जाएगा, और इस तरीके से आपको एक दिखेगा कि एक स्टार एक्सप्लोड हो गया है, या फिर लगेगा आपको कि एक स्टार है जो छोटा सा अंदर है और बाहर में जो होती है उसकी रेज जो है उसकी किरणें जो होती है वो बाहर की ओर फैल रही है। इसके बाद से ये जो हमारा सरफेस है ये अल्टीमेटली क्या हुआ, जो बाहर का सरफेस है वो तो निकल गया, जो मटेरियल बाहर का था वो तो निकल गया, और अंदर में अब बच गया है एक छोटा सा स्टार, और ये छोटा सा स्टार अब व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब इसमें एनर्जी इतनी नहीं बची है, अब इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इतना नहीं हो रहा है, लेकिन अभी भी इसमें हाई एनर्जी बनी हुई है, मतलब कि जो एनर्जी जो मास जो टेम्परेचर इसका पहले था उस टेम्परेचर के कारण से अभी भी ग्लो करता रहेगा, अभी भी इसमें शाइनिंग रहेगी, और यही शाइनिंग बेसिकली इसको व्हाइट ड्वार्फ के नाम से बना रही होती है। तो रिमेन्स ऑफ स्टार डिवाइड ऑफ फ्यूल दे कंसिस्ट ऑफ डीजनरेट मटेरियल विद अ वेरी हाई डेंसिटी व्हाइट ड्वार्फ। डीजनरेट मटेरियल का मतलब ये समझ लीजिए कि एक ऐसा
मटेरियल जो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से कंपैक्टेड फॉर्मेट में है। जैसे अब वाइट ड्राफ्ट की अगर बात किया जाए, ये वाइट ड्राफ्ट सीधी सी बात है बहुत ज्यादा हाईली डेंस होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अपने अंदर में जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट कर सकती थी उतना ज्यादा ये कॉम्पैक्ट करके रखी हुई है। तो ये आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि बेसिकली वाइट ड्राफ्ट का मतलब क्या है। वाइट ड्राफ्ट के बाद देखिए नेक्स्ट एक और कंसेप्ट आता है जिसको बोलाता है ब्लैक ड्राफ्ट। तो वाइट ड्राफ्ट कैन बिकम्स अ ब्लैक ड्राफ्ट व्हेन इट स्टॉप एमिटिंग लाइट। अगर मान लीजिए इसके अंदर की जो लाइट खत्म हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक ड्राफ्ट। ब्लैक ड्राफ्ट इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। ये अभी तक पिक्चर में या फिर कह लीजिए इसको अभी तक देखा नहीं जा सका, ऑब्जर्व नहीं किया जा सका है। ऐसा बोला जा रहा है कि जो ब्लैक ड्राफ्ट होती है ये बेसिकली यूनिवर्स के लाइफ से भी ज्यादा लाइफ होती है इसकी, इस वजह से हम ब्लैक ड्राफ्ट को अभी तक देख नहीं सके हैं। तो ये हुआ आपका, ये हुआ पूरा का पूरा एक सिस्टम जब ये हमारा जो नेबुला है ये प्रोटो स्टार में कन्वर्ट होके एक स्मॉल स्टार में कन्वर्ट होता है। लेकिन वॉट इफ जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा अगर इसका मास आ जाए, जैसे मास तो नेबुला में आएगा ही आएगा, लेकिन ये नेबुला में मास एक बहुत ज्यादा भी आ सकता है और कम भी आ सकता है। कम आया तो हम लोगों ने देख लिया स्मॉल स्टार, रेड जायंट एंड प्लानेटरी नेबुला एंड वाइट ड्राफ्ट बन जा रहा था। लेकिन अगर मास बहुत ज्यादा आ गया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा आ गया तो क्या होगा? तो उसके बाद से सिस्टम बदल जाता है, लार्ज स्टार बन जाएगा। जो स्मॉल स्टार है वो लार्ज स्टार में बनेगा। लार्ज स्टार में यहां पर भी सेम वही न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगी, वही सेम हाइड्रोजन के एटम मिल करके हीलियम के एटम बना रहे होंगे, वही सेम जो रेड जायंट है वो और ज्यादा रेड सुपर जायंट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर वही ऊपर वाला जो रेड जायंट है वही सुपर जायंट में कन्वर्ट हो जाएगा। एज द लार्ज रेड जायंट स्टार कंडेंस इट हीट अप फर्दर बर्निंग द लास्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड कॉजिंग द स्टार आउटलेट टू एक्सपैंड आउटवर्ड। यहां पर भी सेम जो ऊपर जैसे ये एक्सपैंड कर रहा था, सिमिलरली यहां पर भी एक्सपेंशन होगा, लेकिन यहां का जो मास है चूंकि मास बहुत ज्यादा है तो इस मास के ज्यादा होने के कारण से ऑब्वियसली इसका एक्सपेंशन भी ज्यादा हो रहा होगा, एनर्जी भी इसके पास ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा दे रहा होगा, और इसके पास अभी भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बचा हुआ है एक्सप्लोजन करने के लिए। लेकिन ये जो एनर्जी इसके अंदर में पड़ी हुई है इस एनर्जी को ये अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और कंट्रोल न कर पाने के कारण अब हो जाएगा सुपरनोवा एक्सप्लोजन। इसी को बोलते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। जब कोई एक बॉडी जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की हो जाती है तो उसको बोलते हैं सुपरनोवा, और जब वो एक्सप्लोड कर जाती है तो उस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ये देखिए आप लोगों को दिख भी रहा होगा, इट इज एक्सप्लोसिव डेथ ऑफ ए स्टार। तो इस तरीके से डेथ ऑफ द स्टार हो जाती है। लेकिन डेथ ऑफ द स्टार होने में अगेन दो प्रोसेस हो जाती है। एक होती है जहां पर मास अगर सन का, या कह लीजिए कि जो ये हमारा जो स्टार है इसका मास अगर सन के मास से 1.44 टाइम, जो कि चंद्रशेखर लिमिट भी बोली जाती है, क्या होता है हम आगे देखेंगे, अगर ये मास बहुत ज्यादा नहीं है तब जाकर के ये सोलर सिस्टम एक बना देता है। लेकिन अगर ये मास बहुत ज्यादा है तो ये मास फिर अल्टीमेटली एक ब्लैक होल बना दे रही होती है। ब्लैक होल वगैरह क्या चीज है अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सारा डिस्कस करना। तो आई होप आप लोगों को एक पूरी की पूरी पिक्चर क्रिएट हो जाएगी, आपको एक आइडिया लग गया होगा कि बेसिकली हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं अपने इस क्लास में। तो देखिए पूरा का पूरा सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज फॉर योर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, क्योंकि आपको ये सारी चीजें जाननी बहुत जरूरी होती है। करंट अफेयर्स में लगातार इस तरीके के चीजें निकल के आती रहती हैं, अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, नहीं तो रट्टा मार रहे होंगे। जैसे प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, काफी ज्यादा वो न्यूज में रहता है। केल्प 3B के बारे में सुना होगा, काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। तो ये सब चीजें जो होती है आपको एक करंट अफेयर्स को समझने में काफी हेल्प कर रही होती है। स्टार्ट करते हैं फटाफट जरा आज का डिस्कशन इस पूरे पूरे डिटेल के बारे में, और जरा डिटेल हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजियन रिएक्शन के साथ ही। अगर यहां पर देखेंगे तो बेसिकली हमारे पास दो तरीके की केमिकल रिएक्शन होती है। एक केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजियन रिएक्शन, दूसरे को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन में आप देख रहे हैं कि बेसिकली दो मॉलिक्यूल, एक ड्यूट्रियम का मॉलिक्यूल है और एक ट्राइटियम का मॉलिक्यूल है, दोनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। ठीक है, तो यही हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हो जाते हैं। ये दोनों मिलके देखिए एक सिंगल एटम बना रहे हैं, और ये सिंगल एटम एक तरफ न्यूट्रॉन निकाल दे रहा है, ये निकाल दे रहा है बाय प्रोडक्ट के रूप में, और दूसरे साइड में इसको हीलियम बना दे रहा है, एक सिंगल मॉलिक्यूल बना दे रहा है। तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रही है कॉम्बिनेशन।
यहां पर हो रही है कॉम्बिनेशन, और जबकि यहां पर क्या हो रही है, यहां पर एक न्यूट्रॉन जब एक यूरेनियम एटम पे इसकी बॉम्बार्डमेंट की जा रही है, तो इस ये यूरेनियम जो होता है वो अपने हायर स्टेज में चला जा रहा है और अल्टीमेटली अलग अलग सिस्टम में ब्रेक हो जा रहा है, जैसे क्रिप्टन हो गया, बेरियम हो गया, और न्यूट्रॉन्स निकाल दे रहा होता है। इसमें हीट की जरूरत है, दिस इज हीट रिक्वायर्ड, और यहां पर हीट का रिलीज हो रही है, हीट जो होती है वो रिलीज हो रही होती है। तो ये बेसिकली इसको बोलते हैं कि दिस इज सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसको जो हीट की शुरुआत में रिक्वायरमेंट होती है वो बाद वाली जो यहां से हीट जनरेट हो रही है इससे ये कंपनसेट कर ले जाते हैं, जबकि इनको हमेशा हीट जो होती है एक्सटर्नल सोर्स से देनी पड़ जाती है। इसीलिए जो न्यूक्लियर फिजियन रिएक्शंस होते हैं दे आर कंट्रोल्ड रिएक्शंस, और जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होते हैं दे आर अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस। ये हो जाता है आपका हाइड्रोजन बॉम्ब का केस, हाइड्रोजन बॉम्ब में यही यूज हो रहा होता है, यहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, यहां पर 1H1 1H1 ये हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल जुड़ करके 2He4 बना ले रहे होते हैं। तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉम्ब काम चल रही होती है, जबकि न्यूक्लियर फिजियन ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, दीज आर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। और इनको कंट्रोल करने का मतलब होता है इस न्यूट्रॉन को कंट्रोल कर लीजिए, पूरे का पूरा सिस्टम कंट्रोल हो जाएगा आपके हाथ में। तो आई होप आप लोगों को पूरी क्लैरिटी आ गई होगी। फिर भी इसके जरा डिफरेंस देख लेते हैं, क्या डिफरेंस है। तो न्यूक्लियर फिजियन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, यहां पर क्या है, अ हैवी न्यूक्लियस ब्रेक्स अप टू फॉर्म टू लाइटर न्यूक्लियस, यहां पे ब्रेकिंग हो रही है, यहां पर क्या है कॉम्बिनेशन हो रहा है कि टू लाइट न्यूक्ली कंबाइन टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियस। यहां पर क्या है चेन रिएक्शन है, यहां पर क्या है चेन रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है, दिस इज बेसिकली जो पुराना वाला प्रोडक्ट होता है वो आगे बढ़ता जा रहा होता है। आगे अगर बात करें, द हैवी न्यूक्लियस इज बम्बार्डमेंट विद न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के साथ इसकी बम्बार्डमेंट की जाती है, जबकि यहां पर लाइट न्यूक्ली आर हीटेड टू एन एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, यहां पर हीट दिया जा रहा, शुरू में हीट दिया जा रहा होता है। वी हैव प्रॉपर मैकेनिज्म टू न्यूक्लियर फ्यूजन, लेकिन यहां पर क्या है प्रॉपर मैकेनिज्म टू कंट्रोल आर येट टू बी डेवलप्ड, अभी डेवलप नहीं हो पाया है। डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, यहां पर एक ग्रेट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, जबकि यहां पर कुछ भी नहीं होता ऐसा, क्योंकि सारी की सारी चीजें यूज हो जा रही होती हैं। रॉ मटेरियल इज नॉट इजिली अवेलेबल विच इज कॉस्टली, यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, ये सब काफी कॉस्टली हो जा रही होती है, जबकि यहां पर क्या है रॉ मटेरियल इज कंपैरेटिवली चीप एंड इजिली अवेलेबल। बस ये क्या है, ये बहुत ज्यादा डिजास्ट्रस हो जा रही होती है। तो आप लोगों को ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, व्हाट इज फ्यूजन एंड व्हाट इज फ्यूजियन। आगे अगर बात करें तो देखिए वन बाय वन करके अब जरा चीजों को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। लाइक नेब्यूला, दिस इज द बेसिक यूनिट, इसको आप बोल सकते हैं कि ये जो है वो एक बेसिक यूनिट है किसी भी स्टार के फॉर्मेशन के लिए, स्टार फॉर्मेशन में ये बेसिक यूनिट का काम कर रही होती है। नेब्यूला इज अ क्लाउड ऑफ गैसेज, जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि ये क्लाउड ऑफ गैसेज है जिसमें मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं और डस्ट पार्टिकल होता है स्पेस में। नेबुला आर द बर्थ प्लेसेस ऑफ स्टार, जैसा कि अब हम लोगों ने बात किया कि ये फॉर्मेशन के लिए स्टार्ट हो रही होती है। दूसरी होती है प्रोटो स्टार। अब ये जो हमारा नेबुला है, इस नेबुला के आगे नेक्स्ट जो डेवलपमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो स्टार। अ प्रोटो स्टार लुक्स लाइक ए स्टार बट इट्स कोर इज नॉट येट हॉट एनफ फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन टू टेक प्लेस। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होती है ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो इसको वापस से डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। द ल्यूमिनोसिटी कम्स एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द हीटिंग ऑफ प्रोटोस्टार एज इट कॉन्ट्रैक्ट, तो इसकी हीटिंग के कारण से इसका लाइट वगैरह जो भी शाइन वगैरह करना शुरू कर देता है। क्वेश्चन उठता है कई बार, कई लोगों के मन में उठ रहा होगा कि यार हीटिंग करने से इसके अंदर में लाइट क्यों हो जाती है, हीट करने से इसमें लाइट क्यों आ जा रही है। ये आती है कहां से, फिजिक्स में जितने लोग फिजिक्स वाले उनको पता होगा कि ये आती है स्टीफांस प्रिंसिपल से। स्टीफांस प्रिंसिपल, ये स्टीफांस प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, स्टीफांस प्रिंसिपल बोलते हैं सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टू दी पावर 4, यानी कि रेडिएशन उतना ज्यादा निकलेगा जितना ज्यादा इसका टेम्परेचर होगा। अगर मान लीजिए 2 है तो इसका टेम्परेचर 2 to the power 4 कर दीजिए, इतना ज्यादा रेडिएशन निकलेगा। 3 है, 3 to the power 4 कर दीजिए, इतना ज्यादा रेडिएशन निकलेगा। यानी 1 degree टेम्परेचर डिफरेंस के कारण से हमें बहुत ज्यादा रेडिएशन में डिफरेंस देखने को हमें मिल जा रहा होता है। तो दिस इज बेसिकली स्टीफांस प्रिंसिपल जो टेम्परेचर से रेडिएशन को इंडिकेट कर रहा होता है या कह लीजिए लिंक कर रहा होता है। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि वाई आफ्टर इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेडिएशन जो होती है वो बढ़ जाती है। तो प्रोटोस्टार्स आर यूजुअली सराउंडेड बाई डस्ट विच ब्लॉक्स द लाइट दैट दे एमिट, सो दे आर डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। तो यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं अपनी कॉस्मोग्राफिक लाइट स्केल, यहां पर हम लोगों ने अलग अलग स्पेक्ट्रम के बारे में बात किया था।
एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे, माइक्रो, रेडियो एंड ऑल दैट, सारी चीजें डिस्कस ही कर रखा था आपने लास्ट वाले क्लास में। चलिए खैर, तो ये देखिए एक वीडियो भी आपको दिखा देता हूं मैं, जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाए तो आपको चीजें पता चल जाएंगी। तो देखिए यहां पर आपको एक दिखेगा कि सबसे पहले जो स्टार था वो एक्चुअल में फॉर्मेशन कैसे हुआ। यहां पर देखिए एक स्टार छोटा सा रेड जायंट था और इस तरीके से ये ब्रेकिंग स्टार्ट हो गई है। जब ब्रेकिंग में अंदर देखेंगे, लेकिन अंदर में हाई डेंस बना हुआ है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो आप इस तरीके से देखेंगे कि जो पहले एनर्जी बहुत ज्यादा रेडिएट कर रही थी, वो एनर्जी रेडिएशन जो होती है वो अब धीरे 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 क्या हुआ है, एनर्जी अंदर का सोर्स खत्म हो गया है, बाहर के पार्टिकल तो एक्सपैंड कर गए हैं, गिर गए हैं, लेकिन अंदर में केवल और केवल इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कुछ चीजें बची हुई है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से इकट्ठी होकर रखी हुई है। और ये रैंडम मोशन देखिए, रैंडम मोशन में भी अब क्या है, एक यूनिफॉर्मिटी लेकर के आ रहा है और ये इस तरीके से घूमना शुरू कर देता है किसके चारों ओर, एक हैवी ग्रेविटेशनल कह लीजिए बॉडी के चारों ओर। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो यहां पर सर्कुलर मोशन, एक तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स बन जा रही है। तो देखिए इस तरीके से यहां पर देखेंगे आप तो तीन तीन बॉडी ऐसी बड़ी बड़ी बन गई है जिसके चारों ओर में जो डस्ट पार्टिकल है वो घूमना शुरू कर दिया है। अब इसको हम लोग माइक्रो लेवल पे देखते जा रहे हैं, मतलब एक बड़े लेवल पे थे, अब हम लोग बारीकियों में जाते जा रहे हैं। अब इस बारीकियों में जब आप जाते जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक तरीके का सोलर सिस्टम डेवलप करना शुरू कर दे रहा है, क्योंकि इसके पास इतना ज्यादा मास एज सच नहीं था। अब देखिए इसी चीज को अगर मान लीजिए दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कुछ इस तरीके का, एक तरीके की गैलेक्सी आप इसको बोल सकते हैं कि इस तरीके का सिस्टम बनना शुरू हो जा रहा होगा। अब देखिए और इसके अगर बारीकियों में देखें तो आपको तीन सुपर जायंट मटेरियल दिख रहे हैं जिसके चारों ओर में देखिए अच्छा खासा रिवॉल्विंग प्लैनेट टाइप की चीजें डेवलप हो गई है। तो इस तरीके से एक स्टार से इस तरीके का एक सोलर सिस्टम देखिए डेवलप हो गया है। क्यों? क्योंकि इसका मास उतना ज्यादा नहीं था और मास ज्यादा ना होने के कारण से अब ये पैचेस में जायंट मटेरियल डेवलप हो गए हैं और पैचेस में डेवलप करने के कारण ही इनके चारों ओर में जो भी डस्ट पार्टिकल बचे थे वो उसके चारों ओर में घूमना शुरू कर दिया और घूमने के कारण से फिर अल्टीमेटली इस तरीके का जायंट कह लीजिए कि सोलर सिस्टम बना लिए। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि बेसिकली एक स्टार से किस तरीके से चीजें डेवलप हो रही होती हैं। अब इसी डेवलपमेंट के बाद में हमारी एक बीच में स्टेज आती है जिसको बोलते हैं टी टॉरी स्टार। देखिए इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सीधे पूछा जा सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी टॉरी स्टार या क्या रिलेटेड है। तो आप बता देंगे कि ये एक तरीके का प्रोटो स्टार से रेड जायंट बनने के बीच में प्रोसेस में स्टेज में एक तरीके की स्टार होती है जो बोलते हैं दिस इज वेरी यंग लाइट वेट स्टार लेस देन 10 मिलियन ईयर्स ओल्ड एंड इट इज स्टिल अंडरगोइंग ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन। अगेन जो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉन्टैक्ट में आके रखी हुई है और ये अभी ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन के संपर्क में आते जा रही है। इट रिप्रेजेंट्स एन इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन ए प्रोटो स्टार एंड लो मास मेन सिक्वेंस स्टार लाइक अ सन। अब देखिए जैसे यहां पर क्या है, जैसे यहां पर क्या है कि हमारा एक है हमारा जो प्रोटो स्टार है, इस प्रोटो स्टार के बाद सीधे ये कह लीजिए कि स्मॉल स्टार या फिर स्मॉल स्टार के तरीके से आप बोल सकते हैं कि इसी को बोल सकते हैं रेड जायंट स्टार। तो जो रेड जायंट स्टार है वो तुरंत नहीं कन्वर्ट हो जाता है, यहां पर बीच में स्टेजेस आती है। जैसे एक स्टेज होती है जिसको बोलते हैं टी टॉरी स्टार, यहां पर क्या है छोटा है, छोटा है लेकिन अभी भी क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। और दूसरी होती है जिसको बोलाता है मेन सीक्वेंस स्टार, दिस इज मेन सीक्वेंस स्टार। अब ये बेसिकली डेवलपमेंट की एक तरीके से बोल सकते हैं कि स्केल है, कि ये डेवलपमेंट की स्केल है, जहां पर ये जो प्रोटो स्टार है यहां पर लग रहा है अभी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से हो क्या रहा है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स में आई होप आप लोगों की चीजें क्लियर हो रही होंगी कि इस तरीके का अगर मान लेते हैं कि डस्ट पार्टिकल है तो इस डस्ट पार्टिकल में आपस में भी हर जगह पे एक कोई ना कोई एक फोर्स लग रही होगी एंड दिस फोर्स इज एफ इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। और इस तरीके से एक जगह पे क्या होगा, अब इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था। अब ये जो इकट्ठा होना शुरू हुआ है धीरे 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 कर क्या होगा, बड़ा होना शुरू हो जाएगा। बड़ा होते होते बीच में एक डेवलपमेंट आएगी जब ये इसको हम लोग टी सॉरी स्टार बोलना शुरू कर देंगे, लेकिन अभी भी यहां पर क्या है डस्ट पार्टिकल इस तरीके से बिखरे हुए हैं और ये डस्ट पार्टिकल बेसिकली अभी भी लगातार ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन के अंतर्गत आ रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन और लगातार ये प्रोसेस अभी भी चलती जा रही है। सिमिलरली जब ये डेवलपमेंट और आगे बढ़ेगी तो अब जो ये छोटा था और बड़ा हो जाएगा और अल्टीमेटली इस तरीके से पूरा का पूरा एक सरफेस
ले लेगा, लेकिन अभी भी यहां पर भी कुछ कुछ जो होते हैं वो बचे होंगे, कुछ कुछ डस्ट पार्टिकल होंगे। ये डस्ट पार्टिकल जब इकट्ठा हो जाएंगे एक पूरे के पूरे जगह पर, तब ये बन जाएगा रेड जायंट। अब देखिए, जैसे जैसे मटेरियल अंदर के सतह में, अंदर के जो सरफेस में फ्यूज होते जाएगा, वैसे वैसे लगातार इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा। क्यों? क्योंकि मटेरियल जब इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, सीधी सी बात है उनकी एंट्रोपी, अब थोड़ा समय यहां पर देखिए साइंटिफिक टर्म का नाम ले रहा हूं, इनकी जो एंट्रोपी है, जो कह लीजिए इनकी जो रैंडमनेस है, वो रैंडमनेस अब धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, थर्मल एनर्जी में। थर्मल एनर्जी का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर को इंक्रीज करने में आ जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक गाड़ी का एक्सीडेंट कराया था, उस गाड़ी के एक्सीडेंट में मैंने बोला था कि वो टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाएगा, इंजन भी उसका जल सकता है और बाकी गाड़ी तो डिफॉर्म हो ही जाएगी। सिमिलरली यहां पर भी जो रैंडमनेस है, ये देखिए डस्ट पार्टिकल है जो रैंडमली इधर उधर घूम रहे हैं, वो जब एक बॉडी में आकर के फ्यूज हो जाएंगे तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी मतलब कोई भी एनर्जी खत्म तो होती नहीं है, वो कन्वर्ट हो जाएगी किसी दूसरे एनर्जी में, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज थर्मल एनर्जी। और इस थर्मल एनर्जी के कारण लगातार इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। यानी एक चीज क्लियर हो गई है कि यहां पर इनका टेम्परेचर काफी ज्यादा हो गया है। टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण हमारा स्टीफन बोलता है कि इसकी रेडिएशन भी लगातार बढ़ते जाएगी, और रेडिएशन जैसे 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 बढ़ते जाएगी वैसे वैसे हमें बॉडी रेड दिखना शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन ये उठता है रेड क्यों दिखना शुरू हो जाएगी, सीधी सी बात है इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इस वजह से जो बाहरी सरफेस है, जो बाहरी सरफेस होगा उसमें एनर्जी सबसे कम होगी, सबसे कम होने के कारण से उसकी जो वेवलेंथ होगी वो सबसे लंबी होगी और वो रेड कलर की दिखना शुरू हो जा रही होगी। तो आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा सिस्टम क्लियर हो गया होगा कि ये सिस्टम क्या है। तो यहां पर भी सेम वही चीज बताई गई है कि 10 मिलियन स्टार ओल्ड है, दैट इट इज स्टिल अंडरगोइंग ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन, इट रिप्रेजेंट एंड इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन ए प्रोटो स्टार एंड लो मास मेन सीक्वेंस लाइक स्टार लाइक सन। तो ये चीज इस तरीके से डेवलप हो जा रही होगी। अब देखिए इस टी सॉरी स्टार के बाद में नेक्स्ट आ जाती है हमारी मेन सीक्वेंस स्टार, और मेन सीक्वेंस स्टार के बाद ही हमारा रेड जायंट स्टार ये डेवलप हो जाएगा। तो अब जरा देख लेते हैं कि मेन सीक्वेंस क्या है। तो मेन सीक्वेंस स्टार आर द स्टार्स दैट आर फ्यूजिंग हाइड्रोजन टू फॉर्म हीलियम एटम इन देयर कोर। तो बस सीधी सी बात है, यहां पर क्या है कि फ्यूजन रिएक्शन अब स्टार्ट हो चुकी है अपने रैपिड फॉर्मेट में, तो काफी तेजी से ये स्टार्ट हो जा रही होगी, अल्टीमेटली रेड जायंट बना लेगा। मोस्ट ऑफ द स्टार इन द यूनिवर्स अबाउट 90% ऑफ देम आर मेन सीक्वेंस स्टार, मतलब अभी अपने डेवलपमेंट फेज में ही है। द सन इज अ मेन सीक्वेंस स्टार, अभी भी देखिए वही सीट है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट्स लाइफ अ स्टार लाइक सन स्वेल्स इनटू अ रेड जायंट। तो अब देखिए रेड जायंट में कन्वर्ट हो जाएगा बिफोर लूजिंग इट्स आउटर लेयर एज अ प्लैनेटरी नेबुला एंड फाइनली श्रिंकिंग टू बिकम अ व्हाइट ड्वार्फ। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आगे जाकर के ये जब एक्सप्लोड कर जाएगा तो इस एक्सप्लोजन के बाद बेसिकली ये बन जाएगा व्हाइट ड्वार्फ के फॉर्मेट में, दिस विल बिकम एज अ व्हाइट ड्वार्फ स्टार। अब देखिए इस व्हाइट ड्वार्फ स्टार से जस्ट पहले रेड ड्वार्फ स्टार के बारे में बात कर लेते हैं। रेड ड्वार्फ स्टार का मतलब अभी इसमें एनर्जी बची है, अभी इसमें रेडिएशन जो होती है बिकॉज ऑफ इट्स हाई टेम्परेचर निकल रहा है, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, टेम्परेचर अभी इतना ज्यादा है कि इसमें रेड कलर दिखना शुरू हो रहा है। द फेंटनेस लेस देन 1/1000 ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ द सन मेन सीक्वेंस स्टार आर कॉल्ड एज रेड ड्वार्फ। क्यों? क्योंकि छोटा है, अभी रेडिएशन स्टार्ट हुई है, टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गया है और हमारी इस तरीके से चीजें दिखना शुरू हो गई हैं। बिकॉज ऑफ देयर लो ल्यूमिनोसिटी दे आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। तो सीधी सी बात है, इनको टेलीस्कोप से हमें देखना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दे आर क्वाइट स्मॉल कंपेयर टू द सन एंड हैव अ सरफेस टेम्परेचर अबाउट 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। सन का अगर टेम्परेचर बात करें तो सन का टेम्परेचर एस्टिमेटेड है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी इसका कितना है, 4000 है, 2000 अभी और बढ़ना है मिनिमम। यानी ये जो रेड ड्वार्फ स्टार है अभी रेड जायंट स्टार में कन्वर्ट नहीं हुआ है, अब जाकर के आगे कन्वर्ट होगा। अकॉर्डिंग टू द सम एस्टिमेट्स रेड ड्वार्फ मेक्स 3/4 ऑफ द स्टार इन द मिल्की वे। तो खैर इसमें तो खैर कुछ बोलना ही नहीं है कि एक गैलेक्सी, एक मिल्की वे में कई सारे स्टार, उस कई सारे स्टार में मैक्सिमम मतलब नियर अबाउट 75% ऑफ द स्टार जो है वो अभी रेड ड्वार्फ स्टार है, या कह सकते हैं मेन सीक्वेंस स्टार से एक लेवल आगे बढ़ गए हैं। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो कि सन का नियरेस्ट स्टार है, उस वो भी एक रेड ड्वार्फ स्टार है। और देखिए ये आ जाती है आपकी करंट अफेयर्स।
अब बताइए, अगर करंट अफेयर्स को आपको समझना है तो आप ये बताइए, जितना हम लोगों ने डिस्कस किया हो क्या वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है? ऑब्वियसली आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग तभी आती है जब आप उसके बारे में काफी डिटेल में जान रहे होते हैं, अदरवाइज आप चीजों को रट्टा ही मार रहे होते हैं। वी हैव लॉट ऑफ टाइम टू डिस्कस ऑल दिस, इस वजह से हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज इसकी असर जरूरत उतनी नहीं है। इसके बाद देखिए, रेड जो हमारा ड्रॉप है उससे अब बन गया रेड जायंट। क्यों? क्योंकि बड़ा हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही है और एनर्जी भी निकल रही है। तो रेड जायंट हैव इट्स डायमीटर बिटवीन 10 टू 100 टाइम्स दैट ऑफ द सन, तो बड़ा हो जा रहा होता है। दे आर वेरी ब्राइट ऑल्दो देयर सरफेस टेम्परेचर इज लोअर देन दैट ऑफ द सन। द रेड जायंट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द लेटर स्टेज ऑफ इवोल्यूशन एज इट रन्स आउट ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल एट द सेंटर। अब देखिए, यहां से न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन अब बंद हो जाना शुरू हो जाएगी क्योंकि अब मटेरियल खत्म हो गया है। इट स्टिल फ्यूजेस हाइड्रोजन इनटू हीलियम इन अ शेल सराउंडिंग अ हॉट डेंस डीजनरेट हीलियम कोर। मतलब वही है कि एक हीलियम कोर जो बीच में बचा हुआ है उसी में अभी भी जो भी जोड़नी है, जो भी रिएक्शन करना है, वो थोड़ी मोड़ी रिएक्शन अभी भी हो ही रही है, लेकिन हाँ अब मटेरियल, अब जो फ्यूल है वो खत्म हो गया है। तो एज द लेयर सराउंडिंग द कोर कंटेन्स अ बिगर वॉल्यूम ऑफ फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन टू हीलियम अराउंड द कोर रिलीजेस फार मोर एनर्जी एंड पुशेस मच हार्डर अगेंस्ट ग्रेविटी एंड एक्सपेंड द वॉल्यूम ऑफ द स्टार। तो खैर, ये तो ऑलरेडी आप लोग समझ ही चुके हैं क्या चीज है। रेड जायंट्स आर हॉट इनफ टू टर्न द हीलियम एट देयर कोर इनटू हैवी एलिमेंट्स लाइक कार्बन, बट मोस्ट स्टार्स आर नॉट मैसिव इनफ टू क्रिएट द प्रेशर्स एंड हीट नेसेसरी टू बर्न एलिमेंट्स, सो फ्यूजन एंड हीट प्रोडक्शन स्टॉप। तो इस तरीके से चीजें हमारी जो होती है खत्म हो जा रही होती है, फ्यूल खत्म हो गया, रिएक्शन हमारी खत्म हो गई और इस तरीके से चीजें हमारी खत्म हो जा रही होंगी। लेकिन अभी भी देखिए, अगर मान लेते हैं कि दिस इज द वो रेड जायंट का मान लेते हैं स्टार है, तो अंदर के साइड में देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा लग रही है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, जो भी सेंट्रल एलिमेंट होगा सबसे ज्यादा डेंस होगा, सबसे ज्यादा डेंस होगा, और डेंस होने के कारण से ये सबसे ज्यादा मास, मास ज्यादा होने के कारण से, भाई डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कम है मास सबसे ज्यादा होगा, सीधी सी बात है डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई। तो अब क्या है, अंदर की ओर में ये ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन तो हमेशा खोज ही रहा होगा, ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन, और लगातार हीट भी बाहर की ओर निकाल ही रहा था, और हीट बाहर निकालने के कारण से हो क्या रहा था, इसका एक्सपेंशन हो रहा था। लेकिन अब क्या होगा, चूंकि इसका एक्सपेंशन, अब क्या होगा, एक्सपेंशन के बाद एक समय आएगा जब कुछ मटेरियल बाहर के ऐसे होंगे जो बाहर दूसरे के भी ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाएंगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में जब दूसरे के आ जाएंगे तो कुछ लेयर ये बाहर वाली होंगी, ये मान लेते हैं कि कुछ लेयर ऐसी बाहर वाली हैं जो अब ये निकल चुकी हैं, आउटर सरफेस में चली गई हैं, ये अब हमारे पास आने वाली नहीं है, इस ग्रह के पास, इस जो भी हमारा स्टार है उसके पास नहीं आएंगी। अब ये हमारा जो स्टार है वो केवल और केवल एक छोटा सा स्टार बन के रह गया है, यहां पर रह गया है, और ये एक तरीके से काफी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से ये काफी ज्यादा डेंस हो जाएगा। डेंस होने का मतलब काफी ज्यादा ये कंपैक्टेड फॉर्मेट में आ चुका है, और इस कंपैक्टेड फॉर्मेट को ही बोला जाता है डीजनरेट मैटर। फटाफट इसके बारे में देख लीजिए क्या चीज है, व्हाट इज डीजनरेट मैटर। यहां पर देखिए, फ्यूजन इन अ स्टार्स कोर प्रोड्यूसेस हीट एंड आउटवर्ड प्रेशर, बट दिस प्रेशर इज केप्ट इन बैलेंस बाय द इनवर्ड पुश ऑफ ग्रेविटी जनरेटेड बाई अ स्टार्स मास। ग्रेविटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास, जैसे कि हम लोगों ने अभी बात ही किया हुआ है। जब हाइड्रोजन फ्यूल वैनिश हो जाती है, द फ्यूल स्लोज, ग्रेविटी कॉजेज द स्टार टू कोलैप्स इन इटसेल्फ, दिस क्रिएटेड डीजनरेट स्टार। तो वही चीज है, जो कॉम्पैक्टेड फॉर्मेट में स्टार बन के आ जाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे डीजनरेट स्टार। ग्रेट डेंसिटी डीजनरेट स्टार आर ओनली पॉसिबल व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर रेगुलर शेल एंड पुश्ड closer to the nucleus, allowing atom to take up less space. This matter is called as degenerate matter. तो यहाँ पर आपको कोई doubt नहीं होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। अब देखिए, ये हो गई ऊपर की scale, नीचे की scale पे आ जाते हैं हम लोग, red super giant को उसी तरीके से discuss कर लेते हैं जैसे हम लोगों ने red giant को discuss किया था। तो red giant ऊपर चल रहा है और नीचे वाले scale में चल रही है red super giant। इसके बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए दोनों में क्या अंतर मिलेगा, दोनों में अंतर केवल साइज का मिलेगा। देखिए, रेड जायंट छोटा होगा, रेड सुपर जायंट बहुत बड़ा होगा। तो वही चीज यहां पर बात भी कर रहा है, एज द रेड जायंट स्टार कंडेंस इट हीट अप इवन फर्दर बर्निंग द लास्ट ऑफ इट्स हाइड्रोजन कॉजिंग द स्टार्स आउटर लेयर टू एक्सपेंड आउटवर्ड। एट दिस स्टेज द स्टार बिकम्स अ रेड जायंट, अ वेरी लार्ज रेड जायंट इज ऑफन कॉल्ड एज रेड सुपर जायंट। तो जो बहुत बड़ा होता है उसी को हम लोग बोल देते हैं कि वो एक रेड सुपर जायंट है। इसके बाद आ जाती है हमारी प्लैनेटरी नेबुला का मतलब। तो प्लैनेटरी नेबुला इज एन आउटर लेयर ऑफ गैसेस, हालांकि जो प्रोटो
स्टार था उसका भी अर्लियर वर्जन हो गया, जहां पर प्लैनेटरी नेबुला इज एन आउटर लेयर ऑफ गैस एंड डस्ट, नो प्लैनेट्स इन्वॉल्व दैट आर लॉस्ट व्हेन द स्टार चेंजेस फ्रॉम रेड जायंट टू व्हाइट ड्वार्फ। तो इस तरीके से प्लैनेटरी नेबुला भी क्रिएट हो सकता है, जहां पर जो हमारी रेड जायंट थी उस रेड जायंट से अब धीरे धीरे, क्योंकि एनर्जी तो खत्म हो गई है प्रोड्यूस होना, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी बंद हो गया है और उसके बाद से अंदर की ओर में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो ही चुका है, तो कॉन्ट्रैक्शन के कारण से क्या होगा कि अब छोटे छोटे पॉइंट बनना शुरू हो जाएंगे और अल्टीमेटली जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, अभी टेम्परेचर बचा है तो उसको हम लोग व्हाइट ड्वार्फ बोलते रहे होते हैं। तो एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ टाइम द सन विल स्वेल अप इनटू अ रेड जायंट एक्सपैंडिंग आउट बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ वीनस, एज इट बर्न्स थ्रू इट फ्यूल इट विल इवेंचुअली कोलैप्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो खैर ये चीज तो हमारे सोलर सिस्टम पे बता रहा है किस तरीके से होगा कि जो एक्सपेंशन है वो वीनस तक तो कह लीजिए सन के अंदर में चला जाएगा, लेकिन बाकी जो भी ग्रह है जैसे अर्थ हो गया, मार्स हो गया, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या चीज है। तो इस तरीके से सिस्टम हो जा रहा होगा। द आउटर लेयर विल बी इजेक्टेड इन अ शेल ऑफ गैस दैट विल लास्ट अ फ्यू टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर बिफोर स्प्रेडिंग इनटू द वास्टनेस ऑफ द स्पेस। खैर व्हाइट ड्वार्फ के बारे में आ जाते हैं। व्हाइट ड्वार्फ का मतलब क्या है? एनर्जी खत्म हो चुकी है, इनफैक्ट आप ये बोल सकते हैं कि दिस इज बेसिकली रेड जायंट। रेड जायंट के बाद में जो हमारा एक तरीके से नेबुला था उस नेबुला को डेवलपमेंट हो जाएगा, तो इस नेबुला के बाद में अल्टीमेटली व्हाइट ड्वार्फ हो जाएगी। व्हाइट ड्वार्फ का मतलब क्या है? यहाँ पर एनर्जी तो प्रोड्यूस नहीं हो रही है, लेकिन अभी इसका टेम्परेचर और टेम्परेचर के कारण से अगेन सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू दी पावर 4, यानी रेडिएशन हो रही है। अ व्हाइट ड्वार्फ इज वेरी स्मॉल हॉट स्टार। तो देखिए टेम्परेचर आ गया एंड लास्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार लाइक द सन। व्हाइट ड्वार्फ्स आर द रिमेन्स ऑफ नॉर्मल स्टार हूज न्यूक्लियर एनर्जी सप्लाई हैव बीन यूज्ड अप। तो यानी रिएक्शन बंद हो चुकी है। व्हाइट ड्वार्फ कंसिस्ट ऑफ डीजनरेट मैटर विद अ डीजनरेट मैटर मतलब वही है कि हाईली कंपैक्टेड विद अ वेरी हाई डेंसिटी। तो देखिए कंपैक्ट हो जाएगी तो डेंसिटी भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ड्यू टू ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स वन स्पूनफुल हैज अ मास ऑफ सेवरल टन्स। तो छोटा सा भी काफी ज्यादा वेट रखा हुआ होगा। अब देखिए यहां पर नोवा और सुपरनोवा के बारे में है, तो ये भी आपको जरा ध्यान से सुनिएगा क्या है नोवा। नोवा का मतलब क्या है? नोवा अकर्स ऑन द सर्फेस ऑफ ए व्हाइट ड्वार्फ इन बाइनरी सिस्टम। तो यहां पर जब दो स्टार होते हैं तो वहां पर एक जैसा एक नोवा बनना शुरू हो जाता है। जैसे क्या होता है कि जब भी दो स्टार एक दूसरे के समीप में आते हैं, जैसे मान लीजिए कि सपोज दिस इज अ स्टार, दिस इज अ व्हाइट स्टार और यहां पर भी व्हाइट स्टार है, जब एक दूसरे के समीप आएंगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर में ग्रेविटेशनल फोर्स एफ बराबर जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर लगाना शुरू कर दे रहे होते हैं। तो इससे होता क्या है कि इफ द टू स्टार ऑफ सिस्टम आर सफिशियंटली नियर टू वन अनदर मटेरियल हाइड्रोजन कैन बी पुल्ड फ्रॉम द कंपेनियन स्टार। अब मान लेते हैं कि ये वाला स्टार अभी अपने डेवलपमेंट फेज में है, तो इससे क्या हो जाता है कि यहां पर हाइड्रोजन तो पड़ा हुआ है, अब इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही होती है कि हाइड्रोजन फटाफट हमको मिल जाए, तो हम क्या है अपना वापस से डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे, अपने स्टार का डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे। और इस तरीके की जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है नोवा। नोवा मतलब क्या हो गया कि अपने पास अट्रैक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन ले रहा है और छोटे लेवल पे ले रहा है, इसीलिए उसको बोलते हैं छोटा मतलब नोवा। तो व्हेन इनफ मटेरियल बिल्ड अप ऑन द सरफेस ऑफ व्हाइट ड्वार्फ इट ट्रिगर्स अ न्यूक्लियर फ्यूजन अगेन ऑन अ व्हाइट ड्वार्फ विच कॉजेज अ सडन ब्राइटनिंग ऑफ द स्टार। तो फिर से ये हाइड्रोजन पा गया, फिर से ये अपना रिएक्शन स्टार्ट कर देगा, फिर से ये रेड जायंट बनना शुरू कर देगा। तो बेसिकली जैसे ही हाइड्रोजन पाएगा वैसे ही रिएक्शन कर लेगा और वैसे ही अपने स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तरीके से दवा पा गया है, वापस से अपने कह लीजिए कि मैच्योर स्टेज में आ जा रहा होगा। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुपरनोवा क्या होता है। नोवा छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे सुपरनोवा, दैट्स ऑल, खत्म हो गया, यही चीज ही है। तो सुपरनोवा इज द एक्सप्लोसिव डेथ ऑफ ए स्टार, जहां पर एक हाइड्रोजन इतना ज्यादा कन्वर्ट हो गया हीलियम में, इतनी ज्यादा एनर्जी निकाल दी है कि वो अब ब्लास्ट होने वाला है। एंड ऑफन रिजल्ट इन स्टार ऑब्टेनिंग द ब्राइटनेस ऑफ 100 मिलियन स्टार फॉर अ शॉर्ट टाइम। द एक्सट्रीम ल्यूमिनस बर्स्ट ऑफ रेडिएशन एक्सपेल मच और ऑल ऑफ ए स्टार्स मटेरियल एट अ ग्रेट वेलोसिटी गिविंग अ शॉक वेव इनटू द सराउंडिंग इंटरस्टेलर मीडियम। दीज शॉक वेव्स ट्रिगर कंडेंसेशन इन इज अ नेबुला पेविंग द वे फॉर द बर्थ ऑफ न्यू स्टार इफ द स्टार हैज टू बी बॉर्न और स्टार हैज टू डाई। जैसे मान लेते हैं कि हमारा कोई एक स्टार है, सपोज दिस इज आवर स्टार, और ये हमारा सुपरनोवा हो रहा है। सुपरनोवा का मतलब काफी ज्यादा बड़ा हो गया, एक्सपैंड हो गया है, अब इसे एनर्जी मतलब संभल नहीं पा रही है, तो जब संभलेगी नहीं तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा।
ब्लास्ट होने का मतलब क्या है, चीजें जो होती है इधर उधर बिखर जाएंगी, बिखरने के बाद एक हमारा इसी में से एक ऐसा पार्टिकल, एक ऐसा मटेरियल जरूर आएगा जो एक तरीके का बड़ा साइज में होगा, साइज में बड़ा होगा यानी एक नया ये स्टार बन गया है। नाउ दिस विल अंडरगो अंडर, पहले शुरुआती दिनों में प्रोटो स्टार बनेगा, फिर जो हमारा टी स्टार बनता है, फिर मेन सिक्वेंसिंग बन जाती है, फिर हमारी जो भी मेन जायंट वगैरह बन जाता है वो सब चीजें बन जा रही होंगी, अगेन हमारा स्टार फॉर्मेशन स्टार्ट हो जा रहा होगा। अ ग्रेट प्रपोर्शन ऑफ प्राइमरी कॉस्मिक रेज कम्स फ्रॉम सुपरनोवा, तो वही चीज ये है कि बाहर का जो सरफेस है वो निकल गया है, तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद में कॉस्मिक रेज निकल के आएंगी और हमें वो कॉस्मिक रेज मिल जाएंगी। अब देखिए सुपरनोवा भी बेसिकली दो टाइप का होता है, जैसे एक होता है जो टाइप वन होते हैं और दूसरे को बुलाता है टाइप वन ए, क्लियर। तो टाइप वन ए और वन, ये दो तरीके की होती है। तो इट अकर्स व्हेन देयर इज अ सडन रीइग्निशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन ऑन द सरफेस एज अ डीजनरेट वाइट ड्वार्फ इन अ बाइनरी सिस्टम, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस ही किया। अ डीजनरेट वाइट ड्वार्फ में एक्यूमुलेट सफिशियंट मटेरियल फ्रॉम ए कंपेनियन स्टार हाइड्रोजन टू रेज इट्स कोर टेम्परेचर, इग्नाइट कार्बन फ्यूजन एंड ट्रिगर रन अवे न्यूक्लियर फ्यूजन कंप्लीटली डिसरप्टिंग स्टार। तो अगेन जो होती है इस तरीके से स्टार बनना शुरू हो जाएगी। एक और होती है जिसको बोलते हैं टाइप टू सुपरनोवा, इट इज अ सुपरनोवा दैट अकर्स बाय द ग्रेविटेशनल कोलैप्स ऑफ कोर ऑफ ए मैसिव स्टार, जैसे कि आयरन के द्वारा जो बना होता है ये हो जाती है सुपरनोवा ऑफ रेड सुपर जायंट। देखिए सच आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ दीजिएगा इसको आपको। इसके बाद हो जाती है कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरनोवा के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे व्हेन अ स्टार, हालांकि ये सारा का सारा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, बस पॉइंट टू पॉइंट हम लोग जरा देख लेते हैं ताकि आपको एक कंप्लीशन दिखना शुरू हो जाए। तो व्हेन अ स्टार स्कोर रन आउट ऑफ हाइड्रोजन द स्टार बिगिंस टू डाई, सीधी सी बात है, द डाइंग स्टार एक्सपैंड इंटू रेड जायंट एंड दिस नाउ बिगिंस टू मैन्युफैक्चर कार्बन बाई फ्यूजिंग हीलियम एटम, मोर मैसिव स्टार बिगिन अ further series of nuclear bombarding, the element formed in these star range from oxygen through to iron. During a supernova, the star release very high amount of energy as well as neutron, which allows elements heavier than iron, such as uranium and gold to be produced. तो इस तरीके से यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे material मिल जाते हैं। इनमें एक और होता है xenon होते हैं, which is very useful for ourselves in our medical field. In the supernova explosion, all of these elements are expelled out into space and new star are born out of this matter. So already हम लोगों ने discuss के लिए कि नए star भी बन जा रहे होते हैं। इसके बाद देखिए black dwarf के बारे में, this is a hypothetical concept, इसके बारे में भी देख लीजिए कि last stage of जो भी stellar evolution होती है, stellar मतलब जो भी हमारी space की जो भी चीज होती है, कह लीजिए कि हमारी जो star formation होती है, the star evolution is a black dwarf. इसमें होता क्या है, black dwarf is a white dwarf, white dwarf से ही आगे ब्लैक ड्रॉप बनता है, कब, जब ये कूल इनफ हो जाए, इसके पास टेम्परेचर खत्म हो जाए और यहाँ पर लाइट वगैरह ना दिखे, रेडिएशन वगैरह ना दिखे, तो अब व्हाइट ड्रॉप इज अ ब्लैक ड्रॉप इज अ व्हाइट ड्रॉप दैट हैज सफिशियंटली कूल्ड दैट इट नो लॉन्गर एमिट सफिशियंट हीट और लाइट, बिकॉज ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ व्हाइट ड्रॉप टू रीच दिस स्टेज इज कैलकुलेटेड टू बी लॉन्गर देन करेंट स्टेज ऑफ यूनिवर्स, एंड इसी वजह से क्या है, कोई भी हमें ब्लैक ड्रॉप नहीं मिल पा रही होती है। इसके बाद एक और छोटा सा कंसेप्ट है जिसको बोला था ब्राउन ड्वार्फ। ब्राउन ड्वार्फ क्या होता है, ब्राउन ड्वार्फ का मतलब होता है दे आर द ऑब्जेक्ट्स विच आर टू लार्ज टू बी कॉल्ड प्लैनेट्स एंड टू स्मॉल टू बी स्टार, तो ना तो वो स्टार है और ना तो वो प्लैनेट है, तो बीच के बन जाते हैं, ब्राउन ड्वार्फ इसको बोल दिया जाता है। इनके पास में अभी एनर्जी बची हुई है और ये एनर्जी दिखा रहे होते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ रेडिएशन। तो ब्राउन ड्वार्फ आर थॉट टू फॉर्म इन द सेम वे दैट स्टार्स डू फ्रॉम अ कोलैप्सिंग स्टार, कोलैप्सिंग क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट, हाउएवर As the cloud collapses, the core is not dense enough to trigger nuclear fusion. Clear हो गया क्या चीज़ है? इतना ज़्यादा नहीं है कि nuclear fusion कर पाए। तो इस तरीके से चीज़ हो जाती है। अब एक और होता है जिसको बोला जाता है न्यूट्रॉन स्टार। तो न्यूट्रॉन स्टार का मतलब क्या है? These stars are composed mainly of neutrons जो बने होते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन के दौरान में ही देखा था कि लगातार न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करनी पड़ रही और न्यूट्रॉन जो होती है वो रिलीज भी हो रही थी। तो दीज स्टार आर कंपोज मेनली ऑफ न्यूट्रॉन एंड आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर अ सुपरनोवा फोर्सिंग द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन टू कंबाइन टू फॉर्म अ न्यूट्रॉन। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल करके न्यूट्रॉन बना ले रहा होता है। नॉट एज सच इंपॉर्टेंट, देखिए केवल और केवल पढ़ लीजिए क्या चीज है ये। तो न्यूट्रॉन स्टार आर वेरी डेंस, मास जो होती है वो 3 times दैट ऑफ सन हो जाता है, कैन फिट इन अ स्फीयर ऑफ जस्ट 20 kilometers इन डायमीटर। तो बहुत छोटे एरिया में बहुत ज्यादा मास रहता है, तो सुपर सुपर डेंस होती है ये। If its mass is any greater, its gravity will be so strong that it will shrink further to become a black hole. So ultimately, जो होती है वो black hole में convert हो जा रही होती है।
अब ब्लैक होल का मतलब क्या है? ब्लैक होल का मतलब होता है सुपर डेंस, ठीक है, जितना डेंस आप सोच सकते हैं उससे भी कहीं ज्यादा डेंस। ये इतना ज्यादा डेंस होता है कि यहां पर लाइट जो होती है वो भी निकल नहीं पाती। क्यों नहीं निकल पाती है, बात करेंगे अभी हम लोग क्या चीज है। अब हम लोग आ ही जाते हैं सीधे ब्लैक होल पे ही। तो ब्लैक होल पे ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे देखिए एक स्टार मान लीजिए, और स्टार जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद में टूट जाता है तो इट हैज टू पॉसिबिलिटी। वन पॉसिबिलिटी है कि ये बदल जा रहा होता है ब्लैक होल में, और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है ये बदल जाए अपने सुपर क्या है सोलर सिस्टम में। हम लोगों ने अभी जो पिक्चर क्लिप भी देखी थी, वीडियो क्लिप भी देखी थी, उसमें भी हम लोगों ने देखा था, तो सोलर सिस्टम में कन्वर्ट हो जा सकती है। अब देखिए ये डिसाइड कैसे करें कि किस में होगा। यहां पर देखिए स्टार के मास पे डिपेंड करता है, एंड अकॉर्डिंग टू चंद्रशेखर, चंद्रशेखर जो है यूएस के थे हालांकि भारतीय मूल के थे, इन्होंने एक लिमिट निकाली और कहा देखिए 1.44 इनटू मास ऑफ सन, मास ऑफ सन अगर इससे कोई चीज ज्यादा है तो वो बनेगा ब्लैक होल, क्योंकि उसके पास इतना ज्यादा मास है कि वो ब्लैक होल बना देगा। लेकिन अगर इससे कम या इसके बराबर भी है 1.44 ऑफ सन तो ये बनाएगा सोलर सिस्टम। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो चंद्रशेखर लिमिट के बारे में भी आपको आइडिया लग गया और आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया क्या चीज है। तो यहां से आपको ये पता चल गया कि मास ऑफ सन अगर इतना है और उसका भी 1.44 टाइम्स ले रहा है, यानी कि ब्लैक होल जो है वो एक कोई सुपर डेंस चीज है, दिस इज समथिंग सुपर डेंस। अब देखिए सुपर डेंस का मतलब क्या है? सुपर डेंस का मतलब यह है कि इसका मास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हाई। अब अगर मास बहुत ज्यादा है तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा G m1 m2 upon r square, ये भी बहुत ज्यादा होगा। अब बहुत ज्यादा का मतलब दिस मास इज टू वे, बहुत लॉ, बहुत बड़ा है। अब बहुत बड़ा होने के कारण से r और g ये दोनों फर्क नहीं दिखा पा रहे होंगे। अरे मतलब मान लीजिए कि जो ग्रेविटी g है m10 to the power -12 होगा, जो हमारा r है मान लेते हैं कि वो 1 है, तो यहां पर जो मास है वो 10 to the power 20 अगर निकल के आ जाए तो क्या हो जाएगा, फोर्स आपको निकल के आ जाएगी 10 to the power 8 के फॉर्मेट में, तो आपको 10 करोड़ के बराबर बराबर तो फोर्स मिल जा रही है, न्यूटन के बराबर फोर्स मिल जा रही है एक ब्लैक होल में। अब यहां पर क्या होगा कि अगर मान लीजिए लाइट भी जा रही है, लाइट इज ऑल्सो अ पार्टिकल, लाइट भी एक पार्टिकल है, क्वांटम फिजिक्स में यही पढ़ाया जाता है, चलिए खैर तो पार्टिकल है तो यहां पर अपना इसका भी क्वांटम का कुछ मास होगा। यहां पर भी क्या है G m1 m2 upon r square, यानी यहां पर जब भी ब्लैक होल का मास रख दिया जाएगा इस लाइट पर भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाएगी, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स अल्टीमेटली इसको कॉन्ट्रैक्ट कर ले रही होगी, अपने पास अट्रैक्ट कर ले रही होगी, और इस तरीके से जो भी ब्लैक होल में जाएगा कभी भी बाहर निकल के नहीं आएगा, बाहर निकल के नहीं आएगा, इसलिए कोई भी रेडिएशन, कोई लाइट, कुछ भी बाहर चीजें नहीं दिख रही होंगी, और जब दिखेगी नहीं तो बस कलर भी तो उसका ब्लैक दिखेगा, तो इसीलिए इसको बुलाता है ब्लैक होल। तो आपको पूरी क्लैरिटी आ गई होगी कि बेसिकली क्या चीज है, हाउ फिजिक्स इज इन्वॉल्व हियर, किस तरीके से फिजिक्स इन्वॉल्व है। तो यहां पर देखिए ब्लैक होल्स आर बिलीव टू फॉर्म फ्रॉम मैसिव स्टार एट द एंड ऑफ देयर लाइफ टाइम, तो लाइफ टाइम पे इस तरीके से चीजें हो जा रही होती हैं। ग्रेविटेशनल पुल इन अ ब्लैक होल इज सो ग्रेट दैट नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम इट, नॉट इवन लाइट, तो कोई भी चीज बाहर नहीं निकल पाती है क्योंकि बहुत ज्यादा ये डेंस होता है। द डेंसिटी ऑफ मैटर इज इन अ ब्लैक होल कैन नॉट बी मेजर्ड, इसको मेजर नहीं कर सकता है, दिस इज इनफाइनाइट, क्योंकि सीधी सी बात है जो जाएगा वो भी बेचारा उसी में समा जाएगा, कभी निकल ही नहीं पाएगा। तो ब्लैक होल डिस्टॉर्ट द स्पेस अराउंड देम एंड कैन स्टक नेबरिंग मैटर इनटू इंक्लूडिंग स्टार, तो जो भी इसके आसपास जाएगा वो सीधी सी बात है इसी के अंदर में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसी में समा जाएगा। इसके बाद देखिए ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ऑल्दो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी बात किया था कि अगर मान लेते हैं कि दिस इज समथिंग, मान लेते हैं कि ये ब्लैक होल है, ब्लैक होल, अब इसमें क्या होगा ब्लैक होल के बियॉन्ड तो कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन ब्लैक होल के बाहर मान लेते हैं कि लाइट यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, और अल्टीमेटली क्या हो रही है कुछ एरिया तक ल्यूमिनेसेंट है, फिर बाद में आपको दिखना ही बंद हो जाएगा। तो बेसिकली जो आपका ये जो लाइट है वो कुछ इस तरीके से बिहेव करेगी, यहां पर इस तरीके से आपका लाइट दिखेगा और अल्टीमेटली फिर बाहर की चीजें दिखना बंद हो जा रही होंगी। तो ये क्या है, आपको एक तरीके से लेंस के टाइप का दिखेगा, दिस इज बेसिकली द लेंस जहां पर आप चीजों को देखेंगे, तो लाइट इस तरीके से फैलते हुए तो दिखेगी लेकिन इसके बाद अंदर नहीं दिखेगी, इसी को बोलाता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। क्लियर हो गया? तो लाइट अराउंड अ मैसिव ऑब्जेक्ट सच एज ब्लैक होल इज एब्सेंट, इज बेंट, कॉजिंग इट टू एक्ट एज अ लेंस फॉर नथिंग दैट लाई बिहाइंड इट, तो इसके पीछे कुछ भी दिखना ही रहा होता है। इसका छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी देख लीजिए, जैसे गैलेक्सी है, गैलेक्सी ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है बट इसको फटाफट देख लेते हैं क्या चीज है। गैलेक्सी इज अ सिस्टम ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार टुगेदर विद गैस एंड डस्ट,
held together by gravitational attraction. They are the major building block of the universe. The smallest galaxy contain about 1 lakh star, while the largest contain up to 3 billion stars. ये सब data वगैरह है, आपको पता रहे तो ठीक है, otherwise as such not important. अब देखिए, गैलेक्सी दो तरीके से हो सकती है. एक होती है जो रेगुलर होती है और दूसरी होती है जो इरेगुलर होती है. रेगुलर मतलब जिनका एक शेप होता है और इरेगुलर मतलब जिनका कोई शेप नहीं होता है. इरेगुलर में तो कुछ खास नहीं, लेकिन अरेगुलर में दो तरीके की गैलेक्सीज होती है. एक होती है जो स्पाइरल गैलेक्सी होती है, जैसे हमारा मिल्की वे है, और दूसरी होती है जिसको इलिप्टिकल गैलेक्सी बोलते हैं, जो हमारी बगल वाली केल्प वाली है. केल्प जो 3B है उसकी गैलेक्सी जो होती है वो हमारी कैसी है, वो एक इलिप्टिकल गैलेक्सी है. अब यहाँ पर देखिए क्या सिस्टम है. स्पाइरल गैलेक्सी के बारे में बात करें तो मिल्की वे इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क शेप्ड स्पाइरल गैलेक्सी विच हैज अ ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ स्टार नियर इट्स सेंटर. सेंटर में कौन है, सन है. तो दे कंसिस्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड स्टार इन द सेंटर एंड द यंगेस्ट स्टार लोकेटेड इन द आर्म्स. स्पाइरल गैलेक्सी आर वेल सप्लाइड with the interstellar gas in which new bright young star form smaller and less bright as such not important. elliptical wale mein dekh lijiye, most star distribution is non uniform, most of their member stars are very old and no star formation in them, the biggest galaxy in the universe are elliptical. to is tarike se hamare paas galaxy ho ja rahi hoti hai. अब हम लोग जरा लास्टली डिस्कस कर लेते हैं हमारा मिल्की वे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज. तो देखिए, मिल्की वे इज द गैलेक्सी दैट होस्ट आवर सोलर सिस्टम. इट इज शेप्ड लाइक अ फ्लैट डिस्क विद अ ह्यूज सेंट्रल बल्ब. सेंट्रल बल्ज, सेंट्रल में एक बल्ज होती है. तो डायमीटर जो होती है वो नियर अबाउट में कह लीजिए कि 1.5 लाख से 2 लाख लाइट ईयर है. तो इन द न्यूक्लियस द थिकनेस रीचेस 10,000 लाइट ईयर, वेयर एज इन द डिस्क इट इज 500 to 2,000 लाइट ईयर थिक. इट इज एस्टिमेटेड टू contain 100 to 400 billion star. The inner star travel faster than those of the other one. The solar system is located on the Orion arm 26,000 light year from the center of Milky Way galaxy. Orion arm जैसे क्या होता है कि एक constellations होती है, तो ये अलग अलग तरीके की constellation में अलग अलग arm बना दिया जाता है. इतना important नहीं है, बस ठीक है, जानते रहेंगे तो अच्छी बात है. otherwise ये देखिए, वन डे एग्जाम्स जो होते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं, उसमें इस तरीके के फैक्ट वगैरह पूछे जाते हैं आपसे. ना तो स्टेट पीसीएस में पूछा जाएगा आजकल, और ना ही आपसे सिविल सर्विसेज में. लेकिन हाँ, आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है इनकी, एक रफ आइडिया होना चाहिए. मान लीजिए कहीं भूल भटक करके क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, तो आप तब भी कर सके. सोलर सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द मिल्की वे विद स्पीड ऑफ 285 किलोमीटर पर सेकेंड. ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, डेटा ओरिएंटेड चीजें यूपीएससी में नहीं आती हैं. द एंड्रोमेडा गैलेक्सी इज द क्लोजेस्ट गैलेक्सी. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, आप जरा ध्यान रखिएगा कि हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी या नेबरिंग गैलेक्सी कौन सी है. तो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. हम लोगों ने काफी डिटेल में देखा क्या सब चीजें हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे होंगे अपने प्लानिटरी सिस्टम के बारे में, सन के बारे में, इसके अलावा क्यूपर बेल्ट हो गई, और नंबर ऑफ चीजें होती है, एस्टेरॉयड, मीटियोरॉयड, और नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर. वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास. तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास पूरी समझ में आ गई होगी. थोड़ा सा डिटेल हम लोगों ने देखा है, बट It was required for your understanding. तो इस वजह से काफी important हो जा रही होती है. अगर आपको still कोई doubt होता है, then Telegram channel की link नीचे description box में दी गई है. आप उसको join करके आप उस पर अपने doubt raise कर सकते हैं. हम लोग मिलते हैं अपने next class में. और past year question आप लोग जरा question solve करना शुरू कर दीजिए, बहुत important होता है आपके examination के लिए. आपको लग नहीं रहा होगा, बट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सीरीज भी स्टार्ट हो गई है, उसमें हर रोज 25-25 क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं. फटाफट उसको जाकर के देखना शुरू कर दीजिए, आपकी बहुत अच्छी कह लीजिए कि प्रिपरेशन हो जाएगी. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.